देखो, अगर आपका ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो उसे कैसे चेंज किया जाए, मैं मना कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपने खुद देखा होगा काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, जिन्होंने अपने ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन को चेंज करके कितना ज्यादा अपने स्किन को फेयर कर रखा है। स्किन डार्क होने का रीजन क्या है? मेलेनिन है ना, तो ज्यादा एक्ने आने की वजह से भी हमारे स्किन के अंदर ना बहुत सारा मेलेनिन जमा हो जाता है, जिस वजह से पूरा चेहरा ही काला पड़ जाता है। ग्लूटाथियोन के रिजल्ट ना रिवर्सेबल होते हैं, मतलब जिस दिन आपने ग्लूटाथियोन को लेना छोड़ दिया ना, आपकी स्किन जो है धीरे धीरे पहले जैसे डार्क हो जाएगी। यह है काजोल की फोटो 1995 की, यह है 2015 की। कुछ फर्क दिखाई दिया? फेयर स्किन। काजोल के अलावा भी ना बहुत से ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनका ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन कुछ और था, लेकिन अब कुछ और है। कैसे कर लेते हैं ये लोग अपनी स्किन को इतना ज्यादा फेयर, जानना चाहते हो? और एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी लोग मुझे ये बताते हैं कि भाई बचपन में ना मैं गोरा था, लेकिन अब मैं काला हो चुका हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड ने मुझसे ये सवाल किया होगा। आप में से भी बहुत से लोग ना कमेंट के अंदर, इंस्टाग्राम पे, डीएम्स के ऊपर सेम सवाल मुझसे करते हैं। ये स्किन कॉम्प्लेक्शन होने के बावजूद मुझे भी किसी टाइम पे ये बोला जाता था कि तू बचपन में गोरा था। तो अगर आप बचपन में गोरे थे तो अब काले क्यों हो? काले हो चुके हो तो फिर से कैसे गोरा होना? आखिर एक इंसान काला हो कैसे जाता है? और ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके फेयर स्किन के सीक्रेट क्या होते हैं? कैसे ये लोग अपनी स्किन को इतना ज्यादा फेयर कर लेते हैं? कौन से ट्रीटमेंट ये लोग करते होंगे? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे ना, तो इन्हीं का आंसर आज मैं आपको करूंगा। और ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इनकी फेयर स्किन को भी डीकोड करेंगे। बहुत मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक इंसान आखिर काला हो कैसे जाता है। देखो, हम सभी की बॉडी के अंदर ना मेलानोसाइट नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेलेनिन को। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसी रीजन से अगर आपकी बॉडी के अंदर ना मेलानोसाइट की एक्टिविटी बढ़ गई तो बहुत सारा मेलेनिन प्रोड्यूस करने लग जाएगी। क्योंकि मेलेनिन डार्क ब्राउन कलर का होता है तो वो आपकी बॉडी को भी डार्क करेगा। जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर मेलेनिन प्रोड्यूस होगा ना, उतनी ही आपकी स्किन भी डार्क होगी। अब भला हमारी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट की एक्टिविटी बढ़ क्यों जाती है, क्यों बहुत सारा मेलेनिन प्रोड्यूस होने लग जाता है और हमारे स्किन को काला कर देता है? इसके तीन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला रीजन है यूवी रेस। अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में जाओगे ना, तो जो सन की यूवी रेस होती है गाइस, उससे आपकी बॉडी को ना बहुत खतरा हो सकता है। आपके बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं, आपको स्किन का कैंसर हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है पता है? अगर आप उसे प्रोटेक्शन नहीं दोगे ना, तो वो खुद अपना प्रोटेक्शन बना लेती है। वो मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो मेलेनिन होता है ना, वो 99% यूवी रेस को कट करता है। मेलेनिन आपकी स्किन को यूवी रेस से तो बचा लेता है, लेकिन मेलेनिन वही पिगमेंट है जो आपकी स्किन को भी डार्क करता है। और यही रीजन है कि धूप में जाने से ना आपकी स्किन काली पड़ जाती है, जिसे आप लोग टैनिंग बोलते हो। सेकंड रीजन है हार्मोनल चेंजेस। देखो, 12 से 14 साल की उम्र के अंदर ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जैसे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बनता है, हमें हमारा स्किन टेक्चर, हेयर टेक्चर उसी एज में मिलता है। तो जेनेटिकली अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इशू रहेगा ना, तो आपको उसी एज से दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी, तो 12 से 14 साल की उम्र के बीच में जो मेरी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आए थे ना, उस टाइम मेरे स्किन जो है धीरे धीरे ऑयली होते गई, फिर मुझे पिंपल्स आने लगे। 17-18 साल की उम्र में ना मेरे पिंपल्स एकदम पीक पे आ गए थे। तो उसी तरह से जेनेटिकली ही अगर आपकी स्किन डार्क है ना, तो 12 से 14 साल की उम्र के बीच में आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आए थे ना, उस टाइम ना मेलानोसाइट की एक्टिविटी बढ़ गई होगी आपकी बॉडी के अंदर, और मेलानिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुका होगा, इसीलिए आपकी स्किन डार्क हो चुकी है। हो सकता है बचपन में जो है आपकी स्किन थोड़ी लाइट रही हो, लेकिन बचपन में आपका जो स्किन का कलर था ना, वो नकली था, अभी वाला असली। तो अगर आपका ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन ही डार्क है, तो उसे कैसे चेंज किया जाए, सब बताऊंगा, वीडियो का एंटर देखना। और जो थर्ड रीजन है स्किन डार्क होने का, वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्ने। देखो, जब भी हमें कोई एक्ने निकलता है ना, वो अपने पीछे मेलेनिन छोड़ता है गाइस, जिसे आप लोग डार्क स्पॉट्स बोलते हो, पिगमेंटेशन बोलते हो ना, एक्चुअल में वो स्किन में जमा हुआ पिगमेंट होता है, जिसका नाम है मेलेनिन। अगर आपको नॉर्मल पिंपल्स आ रहे ना, तो अपने पीछे डार्क स्पॉट्स छोड़ेंगे। अगर आपके एक्ने थोड़े सीवियर है, तो आपको पिगमेंटेशन होगा। लेकिन अगर आपके एक्ने बहुत ही ज्यादा सीवियर है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 टाइप के आपके चेहरे पे एक्ने हो चुके, और वो एक्ने ना बहुत ही एक्टिव है, बार बार आते रहते, एक ही जगह पे आपको बार बार एक्ने निकलता है, ऐसी कंडीशन में ना आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारा मेलेनिन जमा हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, स्किन डार्क होने का रीजन क्या है? मेलेनिन है ना, तो ज्यादा एक्ने आने की वजह से भी हमारे स्किन के अंदर ना बहुत सारा मेलेनिन जमा हो जाता है, जिस वजह से स्किन जो है अनइवन हो जाती है, ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं चेहरे के ऊपर, या पूरा चेहरा ही काला पड़ जाता है। तो सीवियर एक्ने भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्किन डार्क होने का, जिसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्ने बोला जाता है। तो ये तीन थे सबसे बड़े रीजन स्किन डार्क होने के, इन तीनों में से ही किसी वजह से आपकी स्किन भी डार्क हुई होगी। तो जैसे आपको एक एक करके रीजन बताया, उसी तरह से एक एक करके सोल्यूशन भी बताता हूं, तो ध्यान से समझना। अगर आपकी स्किन धूप की वजह से काली पड़ चुकी
सोचिए ना, तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा। अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए ना आपको सनस्क्रीन का यूज करना है। साल के 365 डेज 365 दिन आपको सनस्क्रीन लगानी है। जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, आप घर पे भी रहते हो ना, तो भी आपको सनस्क्रीन लगा के घर के अंदर बैठना है। अगर आप कंटिन्यू धूप में रहते हो ना, तो हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन को रिपीट करना है, मतलब फिर से लगाना है। सनस्क्रीन के अलावा आप अम्ब्रेला ले सकते हो, फुल हाथ के कपड़े पहनो, ऊपर तक बटन लगाओ, लड़कियां स्कार्फ ले सकती है, लड़के रुमाल बांध सकते हैं, सनग्लासेस, मतलब किसी भी तरह से ना आपको अपने स्किन को प्रोटेक्शन देनी है सन से। लेकिन देखो, कितनी भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करो, यूवी रेस से ना आपकी स्किन 100% बच नहीं सकती। इसलिए आपको एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है पता है, दिन में 2 बार ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है, जो कि आपकी स्किन को पील करता रहेगा। हफ्ते में ना आपको एक बार अपने चेहरे पर स्क्रब का यूज करना है, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। आपको मॉइस्चराइजर का भी यूज करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। और आपको ना टैनिंग को रिमूव करने के लिए विटामिन सी वाले सीरम का यूज करना है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, मेलानिन से होने वाले जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है उन्हें रिकवर करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा मैन मैटर्स का ये विटामिन सी सीरम। इसमें ना 10% विटामिन सी है, 1% ग्लाइकोलिक एसिड है। ये टैनिंग को रिमूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। टैनिंग के अलावा अगर आपके चेहरे पे बहुत से डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, तो ये उसे भी रिकवर करेगा। सीरम के अलावा भी जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको रेकमेंड करे ना, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करके डाले, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर आपकी स्किन एक्ने की वजह से डार्क हो रही ना, मतलब आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्ने हो चुका है, तो आपको एक्ने पे ध्यान देना है, ना कि डार्क स्किन के ऊपर। इसी तरह से अगर आप अपने एक्ने को रिमूव कर दोगे ना, उसके बाद अगर आप एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे, तो आपकी स्किन जो एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जो भी डार्कनेस है वो चली जाएगी। अब बोलना बहुत आसान है एक्ने को रिमूव करना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है आई नो, क्योंकि मेरे फेस पे भी ना 5 साल से ज्यादा एक्ने थे। बहुत चीजें मैं ट्राई करता था, घरेलू नुस्खे, बहुत से प्रोडक्ट वगैरह यूज किए थे, नहीं जाते थे एक्ने, बहुत परेशान था मैं भी। फिर ना मुझे एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में पता चला जिसने मेरे एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट, ओपन पोर्स, मतलब जितनी भी स्किन प्रॉब्लम थी सभी को रिमूव करके यहाँ तक मेरे चेहरे को रिकवर कर दिया। अब ट्रीटमेंट के नाम से ना लोग घबरा जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रीटमेंट मैंने किया था ना गाइस, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो वो भी ना उस ट्रीटमेंट को इजीली अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जुगाड़ मैंने लगाए थे। डॉक्टर को फ्री में कंसल्ट कर लेता था, जो दवाइयां मुझे दी जाती थी ना 50% ऑफ में उन्हें खरीदता था, और ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल प्राइस पे हो गया था ना, ट्रस्ट मी, जो लोग स्टूडेंट है ना वो लोग भी इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। अब जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था ना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्ने आपको हो चुका है, मतलब एक्ने की वजह से आपकी स्किन डार्क हो चुकी है ना, तो इस वीडियो को स्किप कर दो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक देना उसे जाके अभी से देखना स्टार्ट कर दो। गाइस अब उन लोगों की बात करेंगे जिनकी स्किन जेनेटिकली या फिर हार्मोनली ही डार्क है। इससे पहले 2 सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, वो आपके ओरिजिनल स्किन टोन को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल स्किन टोन ही डार्क है, तो भैया उससे कैसे चेंज किया जाए? देखो, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ना फेयर स्किन को सपोर्ट नहीं करता। ये वीडियो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बना रहा हूँ, तो इसे इन्फॉर्मेशन की तरह ही लेना। ये मत समझना कि कोई चीज या कोई ट्रीटमेंट या कोई दवा मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अगर आपका ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो उसे कैसे चेंज किया जाए, मैं मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद देखा होगा काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, जिन्होंने अपने ओरिजिनल स्किन कॉम्प्लेक्शन को चेंज करके पता नहीं कितना ज्यादा अपने स्किन को फेयर कर रखा है। हालांकि कोई भी सेलिब्रिटी ना सामने से आके ये नहीं बोलता कि हमने फलाना ढिमकाना ट्रीटमेंट करा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो कि इन्हें डिकोड कर चुके हैं। देखो, एक्सपर्ट डॉक्टर का कहना ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये लोग ग्लूटाथियोन पे होते हैं। अब ये ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके मेलानोसाइट की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होना बहुत कम हो जाता है, और स्किन के अंदर जो जमा हुआ मेलानिन होता है ना, वो उससे भी रिमूव कर देता है। जितना ज्यादा हैवी डोज में आप ग्लूटाथियोन को कंज्यूम करोगे ना, उतनी ही आपकी स्किन भी लाइट होगी, और ये बहुत सेफ होता है, कोई ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होते इसके, और इसे इंडिया में लेना या किसी भी कंट्री में लेना लीगल है। मतलब अगर आप ग्लूटाथियोन ले रहे हो, तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ग्लूटाथियोन के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव काफी होता है। अगर आप ओरली ग्लूटाथियोन को कंज्यूम करने जाओगे ना, तो इसकी कुछ टैबलेट्स आती है, जिसका 1 महीने का डोज आपको कुछ 5,000 के करीब पड़ जाएगा। आप टैबलेट के फॉर्म में ग्लूटाथियोन को कंज्यूम तो कर लोगे, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते। अगर ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो गया ना, तो 3 से 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन अब्सॉर्ब नहीं बना, तो आप 1 साल भी उसे कंज्यूम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या तो बहुत स्लो रिजल्ट मिलेंगे। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन भी आते हैं, जिसका वर्क रेशो ना काफी हाई होता है, क्योंकि जो इंजेक्शन होता है ना, वो हमारे सीधा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। लेकिन इंजेक्शन ना और भी ज्यादा महंगा होता है, 13,000 से लेकर 40,000 तक इसकी प्राइस जा सकती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ग्लूटाथियोन के रिजल्ट ना रिवर्सेबल होते, मतलब जिस दिन आपने ग्लूटाथियोन को लेना छोड़ दिया ना, आपकी स्किन जो है धीरे धीरे पहले जैसे
से डार्क हो जाएगी। जितने भी सेलिब्रिटीज है जो ग्लूटाथियोन को कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग ना आज भी कहीं ना कहीं ग्लूटाथियोन के साइकिल पे हो गए, लोग ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू ग्लूटाथियोन को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए उनकी फेयर स्किन जो है मेंटेन रह पा रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, आप अपने पॉकेट मनी से ही सारे खर्चे चलाते हो ना, तो भाई भूल जाओ, आप ग्लूटाथियोन को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता 5-6 हज़ार रुपए किसी को पॉकेट मनी में मिलते होंगे। अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो एक एवरेज इंडियन की सैलरी कितनी होती है, 8-10 हज़ार होती है ना, आपको अपनी आधी सैलरी ग्लूटाथियोन में डालनी पड़ेगी। और अगर आप इंजेक्शन के थ्रू लेने जाओगे ना, तो आपकी सैलरी भी कम पड़ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आपको गोरा होना क्यों? आप चाहते हो आप अच्छे दिखो, लोग आपकी तारीफ करें, लड़कियां आपको भाव दे, अगर आप ये चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको गोरा होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अच्छा दिखना आना चाहिए। गाइस आप जैन मलिक को जानते होंगे, देखो जैन मलिक ना सिर्फ इसीलिए अच्छा नहीं दिखता क्योंकि वो गोरा है, अगर फोटोशॉप की मदद से जैन मलिक को मैं एक इंडियन सा डस्क के साथ स्किन टोन भी दे दूं ना, तो भी आप खुद अपनी आंखों से देख लो जैन मलिक कितना अच्छा लग रहा है। कब स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो भी आपको कैसे अच्छा दिखना है, ये चीज अगर आप एकदम डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जाके देखना पड़ेगा, जो कि है ये वाला फेस के ऊपर एक्ने, तो ये वाली वीडियो देखना।